Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hello, dear students. Welcome to lecture number 1 of chapter number 15 of NBF Biology second year. And today, we are going to discuss the introduction to homeostasis. So, let's begin the lecture. तो सबसे पहले देखते हैं जी होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है. होम्योस्टेसिस देखिए, आप याद रखें कि हमारे बॉडी के अंदर ना दो तरह के इन्वायरमेंट्स हैं जिनको एक ऑर्गेनिज्म फेस करता है. सपोज करो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में दो तरह के इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं. वन ऑफ इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा. दिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ आइदर वाटर, अगर कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वाटर पर मुश्तमिल होगा उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या फिर उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एयर पर मुश्तमिल होगा, या उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सॉइल पर मुश्तमिल होगा. देखो, ऑर्गेनिज्म इन तीन में से किसी भी एक इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे. या तो एक ऑर्गेनिज्म आपको वाटर में मिलता है, या फिर एयर के अंदर आपको वो मिलेगा, या फिर सॉइल के अंदर मिलेगा. तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन तीन चीज़ों से रिप्रेजेंट हो रहा है. जबकि जहाँ तक एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, और इसकी बॉडी के अंदर जो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है. इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और वो बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं? वो बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे ब्लड, जैसे लिम्फ, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जिसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये, और इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है सेल का, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, हमारी सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, so all of them are internal environment, all of them are the representations of internal environment. ठीक है भाई, एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में दो तरह के इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वाटर, एयर एंड सॉइल, वेयर एज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लड, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, या फिर साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स. तो अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूँ कि बताइए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये इंटरनल इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है या इंटरनल एक्सटर्नल पर डिपेंडेंट है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप क्या समझते हैं? क्या एक्सटर्नल इंटरनल पर डिपेंड कर रहा है, यानी अगर इंटरनल में चेंज आएगा तो उसकी वजह से एक्सटर्नल में चेंज आएगा, या एक्सटर्नल में चेंज आने की सूरत में इंटरनल में चेंज आएगा, यानी इंटरनल इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल. सो विच वन इज डिपेंडेंट अपॉन विच? यस, देखो इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत महदूद है, छोटा है,
और इसके मुकाबले में ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इस वजह से जो छोटी चीज़ होती है ना, वो बड़ी चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, बड़ी चीज़ छोटी पर डिपेंडेंट नहीं होती। हाँ, किसी हद तक थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से। बहुत मामूली सा इग्नोरेबल इफ़ेक्ट आएगा वो, लेकिन अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद ये जो वाटर, एयर या सॉइल, इसके अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ, देखो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, जैसे इसके अंदर टेम्परेचर है, अगर ये चेंज हुआ तो क्या इंटरनल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मुख्तलिफ किस्म के जो सोल्यूट्स हैं, सोल्यूट्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो कम या ज़्यादा होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, तो क्या ऐसी सूरत में इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सोल्यूट्स की कंसनेशन अफेक्ट होगी? बिल्कुल होगी, यानी ब्लड में जो कंपोजिशंस वगैरह हैं वो अफेक्ट होंगी इंटरस्टिशियल फ्लूड में और साइटोप्लाज्म में। और इसी तरह से देखिए कि अगर यहाँ पर सोल्यूट्स के साथ साथ वाटर का लेवल अगर आप कंपेयर करें, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा होती है, तो इट ऑल्सो हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अपॉन द इंटरनल इन्वायरमेंट। द कंसनेशन ऑफ वाटर विल ऑल्सो बी चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, अब आपको ये बात समझ में आई कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट के अफेक्ट होने का बहुत वाज़े चांस है। हमारी बॉडी की जो सर्वाइवल है ना, सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, तो ये सर्वाइवल किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन अ नैरो ऑलमोस्ट नैरो और कॉन्स्टेंट रेंज ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन नैरो रेंज ऑफ चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, तो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं ना, उन चेंजेस में अगर तो नैरो रेंज में वो चेंजेस आ रही हैं, तब तो हमारी सर्वाइवल मुमकिन है। लेकिन अगर ये नैरो रेंज में ये चेंजेस नहीं आती हैं, बल्कि ये चेंजेस बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस हो जाती हैं, यानी कभी इधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाए और कभी बहुत लो हो जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे? फिर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि हमारी जो सर्वाइवल है ना, एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल, वो डिपेंड करती है कि हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं वो नैरो रेंज के अंदर रहें, ज़्यादा चेंजेस ना आए। अगर ज़्यादा चेंजेस आ गई तो हमारी सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहेगी। लिहाजा हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है जो हमें इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस से, यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, फ्लक्चुएशंस का मतलब है चेंजेस, तो इनकी जो फ्लक्चुएशंस हैं ना, फ्लक्चुएशंस, तो इनकी फ्लक्चुएशंस से जो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स डिवेलप हो सकते हैं, जो यहाँ पर हार्म्स डेवलप हो सकते हैं, उन इफ़ेक्ट्स से या उन हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, विच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स कॉज बाय द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? दैट मैकेनिज्म इज एक्चुअली कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। वो मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये जो होम्योस्टेसिस हम जिसको आज के चैप्टर में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो यही वो मैकेनिज्म है दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स और इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो होम्योस्टेसिस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? होम्योस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या है? टेंडेंसी का मतलब है
कैपेसिटी, एबिलिटी, सलाहियत. टेंडेंसी का मतलब क्या? सलाहियत. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट इट्स इंटरनल कंडीशंस. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म या सेल की वो सलाहियत जिसके जरिए वो अपने इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट कर सकता हो. मिसाल के तौर पर जैसे सच एज केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स बॉडी फ्लूइड्स, जैसे हमारे बॉडी फ्लूइड्स का जिक्र अभी हुआ था, तो उनकी जो केमिकल कंपोजिशंस हैं उनको वो रेगुलेट कर सकता हो. सो एज टू मेंटेन, ये आपको एक एग्जांपल दिए ना, इस तरह टेम्परेचर भी और बाकी चीज़ें भी. तो सो एज टू मेंटेन द हेल्थ एंड फंक्शनिंग, सो एज टू मेंटेन हेल्थ एंड फंक्शनिंग रिगार्डलेस ऑफ द आउटसाइड कंडीशन. यानी बेशक बाहर जो कुछ मर्जी होता रहे, बेशक बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री पर क्यों ना पहुंच जाए या 0 डिग्री पर क्यों ना चला जाए, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज ना होने पाए. बेशक बाहर सोल्यूट की कंसनट्रेशन फॉग कैसी क्यों ना हो, लेकिन बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन चेंज ना हो. अगर चेंज आए भी तो वो बस नैरो रेंज के अंदर रहे. और इसी तरह से वाटर की कंसनट्रेशन में भी अगर चेंज आए तो वो नैरो रेंज में रहे. तो ये इस तरह से अगर हमारी बॉडी में ये इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट हो सकता हो, हमारी अगर ये कैपेसिटी हो तो उसके ज़रिए हम इसको रेगुलेट करते. दैट कैपेसिटी, दैट एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस. सो होम्योस्टेसिस कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट इट्स इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड सो एज टू मेंटेन हेल्थ एंड फंक्शनिंग रिगार्डलेस ऑफ द आउटसाइड कंडीशन. सही है, इस तरह से आपने होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है. इज दैट क्लियर? होम्योस्टेसिस का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हो गया है. ये हमने जस्ट एक होम्योस्टेसिस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है जिससे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस पता चल गया है. अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात के लिहाज से ज़रा केयरफुल रहना है. अगर मैं सवाल ये पूछता हूँ आपसे डज होम्योस्टेसिस मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट आप क्या समझते हैं? क्या होम्योस्टेसिस का ये मतलब है कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल फिक्स हो जाए? क्या होम्योस्टेसिस इस मकसद के लिए हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है? क्या हम होम्योस्टेसिस के ज़रिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल फिक्स करना चाहते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है. ठीक है, याद रखो कि ऐसा हरगिज़ नहीं है. मैंने अभी आपको ये बताया ना कि सर्वाइवल जो है, हमारी सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नैरो रेंज ऑफ चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट. बिल्कुल अगर इंटरनल एनवायरनमेंट फिक्स हो ना तो तब भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट से चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं, कुछ देनी भी पड़ती हैं. तो कभी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है हमारे पास, कभी थोड़ा सा कम आता है. तो इस तरह से नैरो रेंज के अंदर अगर ये चेंजेस रहें तो तब तो वो अफोर्डेबल हैं, लेकिन अगर ये चेंजेस नैरो रेंज से ज़्यादा बियॉन्ड चली जाती हैं तो फिर वो डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं. तो याद रखो कि ये जो होम्योस्टेसिस रेगुलेट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, तो इस रेगुलेशन का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को बिल्कुल फिक्स कर दिया जाए, किसी किस्म का कोई चेंज यहाँ पे नहीं होने दिया जाए. तो इसका असल में मीनिंग क्या होगा, यानी आप इसको डिफाइन क्या, इसको एक्सप्लेन, आंसर क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? आपने कहना है नो, होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, आंसर आपका नो से स्टार्ट होना है. नो कॉमा देखिए, फिर आप इसी को रिपीट करेंगे, होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. एक्चुअली होम्योस्टेसिस कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट इन नैरो रेंज. फिर आपने ये वाली बात यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है. एक्चुअली ये क्या करते हैं, एक्चुअली इट कीप्स द इंटरनल एनवायरनमेंट इन नैरो रेंज. समझ आई बात? ताकि बॉडी के फंक्शंस भी
स्मूथली परफॉर्म होते रहें और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी होता रहे। तो ये इसकी आप वर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है, ये बना लेंगे ना, ये वर्डिंग क्या लिखेंगे आप आंसर इस क्वेश्चन का कि डज होम्योस्टेसिस मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपने कहना नो, होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्चुअली होम्योस्टेसिस कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट इन नैरो रेंज। इज दैट क्लियर? अगर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होम्योस्टेसिस वर्क करता है? होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पे मैं दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। आप सबसे पहले एक टर्म याद रखिए, वो है वेरिएबल, और दूसरी टर्म जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है वो है सेट पॉइंट। वेरिएबल क्या चीज़ है और सेट पॉइंट क्या है, इसको ज़रा समझना आपने। देखो वेरिएबल किसे कहते हैं, एनी कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी या फीचर ऑफ द बॉडी दैट कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एनी कंपोनेंट या फीचर ऑफ द बॉडी दैट कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती है ना, उसकी वजह से अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंजेस आएंगी। तो हमारी बॉडी के कई एक कंपोनेंट्स या कई एक फीचर्स हैं जो वो चेंज शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं जो चेंज शो करेंगे, उन कंपोनेंट्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर, वाटर लेवल ऑफ द बॉडी। क्या हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो अफेक्ट होगा अगर बाहर वाटर लेवल में चेंज आएगा? तो डेफिनेटली वाटर लेवल अफेक्ट होगा। इसी तरह से क्या हमारे बॉडी में जो सॉल्यूट कंपोजिशन है उसमें चेंजेस आएंगी अगर एक्सटर्नल सॉल्यूट कंपोजिशन में चेंजेस आती हैं? तो सॉल्यूट कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। क्या हमारे बॉडी टेम्परेचर में चेंज आएगा अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंज आता है? तो ऑब्वियसली जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अंदर भी चेंज आएगा। सो ये सभी, वाटर लेवल हुआ या सॉल्यूट कंपोजिशन हुई या फिर टेम्परेचर, तो ये सभी दरअसल बॉडी के कंपोनेंट्स हैं जो चेंजेस शो करते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसी वजह से इन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है वेरिएबल्स। व्हाट आर दिस वेरिएबल, यानी वाटर भी हमारा वेरिएबल है, ये सॉल्यूट कंपोजिशन भी वेरिएबल है, टेम्परेचर भी वेरिएबल है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी वेरिएबल है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब आपको वेरिएबल की समझ आई कि वेरिएबल किसे कहेंगे हम? तो वेरिएबल कोई भी हमारी बॉडी का ऐसा कंपोनेंट हो सकता है जो वेरिएशन शो करता हो ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब दूसरा जो मैंने यहाँ पर पॉइंट शो किया था, ये दूसरी जो टर्म हमने अंडरस्टैंड करनी है, दिस इज कॉल्ड सेट पॉइंट। सेट पॉइंट से क्या मतलब है? सेट पॉइंट का मतलब ये होगा, सेट पॉइंट को आप यूं डिफाइन करेंगे कि द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ऑप्टिमम का मतलब होता है नॉर्मल, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं आइडियल। जो हमारी हेल्थ के लिए एक आइडियल चीज़ होगी ना, उसको कहा जाएगा ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम या नॉर्मल या आइडियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी हमारी बॉडी का जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की जो ऑप्टिमम वैल्यू होगी, जो हमारे लिए बहुत ही सूटेबल होगी हमारी सर्वाइवल के लिए, दैट ऑप्टिमम वैल्यू इज कॉल्ड सेट पॉइंट। मिसाल के तौर पर हमारे टेम्परेचर का सेट पॉइंट क्या है? टेम्परेचर सेट पॉइंट, व्हाट इज आवर टेम्परेचर सेट पॉइंट? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ह्यूमन का टेम्परेचर सेट पॉइंट है। यानी अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो हमारी हेल्थ जो है बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 37 के बजाय 38 के 39 या 36 और 35 की तरफ जाना शुरू कर दें तो ऐसी सूरत में हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आपने देखा कि हमारी बॉडी का ये जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट था ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर, ये तो टेम्परेचर सेट पॉइंट है। इसी तरह से अगर ग्लूकोज कंसनट्रेशन ब्लड में देखी जाए
तो आपको पता है ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में जो आइडियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.08% कंसंट्रेशन इन ब्लड। और अगर इसमें कमी या ज्यादती हो जाए तो ऐसी सूरत में बड़े प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट का एक सर्टेन लेवल होना चाहिए, इसी तरह से वाटर का एक सर्टेन लेवल होना चाहिए बॉडी में, तो वो जो भी ऑप्टिमम स्टेट होगी उससे कहा जाएगा सेट पॉइंट। ठीक हो गया। तो ये दो टर्म्स हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं, ये होम्योस्टेसिस में फर्दर डिस्कशन के लिए इनको यूज़ किया जाएगा, और इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड कर सकेंगे। चलें, अभी ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में इसको हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा, और फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। जी सर, जी जी सर, ये वेरिएबल्स में इसमें एयर नहीं आएगा? वेरिएबल बॉडी के अंदर हमारे एयर मौजूद है, गैसेस हो सकती हैं, गैसेस एयर, हाँ एयर के बजाय आप गैसेस वर्ड यूज करें, यानी ऑक्सीजन का लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, हाँ बिल्कुल ऐसे एयर इस लिहाज से इसको यूज किया जा सकता है वर्ड को, क्योंकि बॉडी के अंदर भी तो गैसेस मौजूद है ना, ये ऑक्सीजन चाहिए होती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो एयर क्या होती है, एयर भी गैसेस का ही एक कलेक्शन होता है, तो इस लिहाज से एयर भी आप लिख लो। चलो यस सर, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.